और आप पहचानने लगते हो कि राइटर ने कितने सारे एलिमेंट्स यहाँ पर डाले हैं तो ये अपने आप में आपको एक बहुत ही अच्छा पीस लगता है राइटिंग का तो वो यहाँ पर पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यस, द टॉपिक इज वेरी ई वी एस बुक वाला टॉपिक दैट इज़ इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है बट uh, हम इंग्लिश में इसको इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज़ वी नीड टू फोकस ऑन राइटिंग स्किल्स दिशानी दोषी की कि कैसे उन्होंने एक आर्टिकल के अंदर अपनी पूरी जर्नी को कॉम्प्रहेंड uh, कर दिया है एक्सप्लेन uh, कर दिया है हमें समझाया है, है ना सो so, uh, चलिए फिर फटाफट से शुरू कर देते हैं तो बच्चों इस चैप्टर की शुरुआत होती है जब आय आय का मतलब यहाँ पर तिशानी दोषी है तो वो बोलती हैं कि मैंने देखा आ, मतलब आ, इस साल की शुरुआत के अंदर ही क्या था कि मैंने एक रशियन रिसर्च वेसल में ऐसा होता ना कि आप आ, कोई भी कहानी बता रहे होते हो तो ये यो लाइक योर फिर तो मैंने बस वो ट्रेन पकड़ ली थी तो एग्जैक्टली exactly तिशानी दोषी ऐसे ही कहती है कि मैंने एक रशियन रिसर्च वेसल जिसका नाम था द अकादमिक सोकल्स शोकल्स की ये रशियन रिसर्च वेसल में अपने आप को पाया कि उन्होंने ऑलरेडी एक रशियन रिसर्च वेसल के थ्रू अपनी जर्नी शुरू की इस ईयर में इस ईयर के स्टार्टिंग में अब ये जो रशियन रिसर्च वेसल है ये ने कहाँ लेकर जा रहा था बच्चों ये रशियन रिसर्च वेसल उन्हें ले जा रहा था दुनिया के कोल्डेस्ट ड्राइस्ट विंडियस्ट कॉन्टिनेंट में जिसका नाम है एंटार्टिका ठीक है एंटार्क्टिका ये जा रही थी इस रशियन रिसर्च वेसल में उनकी जो जर्नी है उनकी जर्नी शुरू होती है 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर से मद्रास से तो ये जर्नी की शुरुआत होती है मद्रास से और ये जो जर्नी है मतलब मद्रास से लेकर ये जो जर्नी उनकी एंटार्टिका तक की है इसमें उन्होंने नाइन टाइम जोन देखे छह चेक पॉइंट देखे तीन वॉटर बॉडीज देखी और न जाने ऐसे कितने इकोस्फेयर्स भी देखे तो इतना सब कुछ क्रॉस करके वो जो है एंटार्टिका मद्रास से पहुंचती हैं। जब वो पहली बार मतलब फाइनली वो पहुंच जाती है और अपना यू you नो know, अपने आप को एंटार्टिक कॉन्टिनेंट के ऊपर पाती है तो तब तक वो सौ घंटे का ट्रैवल ऑलरेडी कर चुकी होती है वो सौ घंटे ऑलरेडी ट्रैवल कर चुकी है और ये होती है और ये जो सौ घंटे है ना ये सौ घंटे उन्होंने कैसे ट्रैवल किया मालूम है कार के अंदर भी बैठी हैं एरोप्लेन के अंदर भी बैठी हैं शिप के अंदर भी बैठी हैं तो मतलब सौ घंटे इतना खतरनाक ट्रैवल करने के बाद में जब वो पहली बार अपना पाओ एंटार्टिका पे रखती है उस कॉन्टिनेंट पे रखती है तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उनके इमोशंस उस वक्त कैसे होंगे तो वो एक्सप्लेन करती है कि मेरा पहला इमोशन जो था ना एंटार्टिका के ऊपर अपना पाव रख के एकदम उसे एक्सपीरियंस करने का वो पहला इमोशन एंटार्टिका के एक्सपांसिव वाइट लैंडस्केप को देख के उसके अन इंटरप्टेड ब्लू होराइजन को देखकर मेरा पहला इमोशन था रिलीफ का ओहो सौ घंटे की जर्नी बच्चों वो रोडवेज से भी गई हैं तो वो वाटरवेज से भी गई हैं तो वो एयरवेज से भी गई हैं और सौ घंटे बाद जब वो एंटार्टिका के कॉन्टिनेंट पे पांव रखती हैं, तो पहले तो वो बहुत ही रिलीव्ड हो जाती हैं, रिलीव उनके अंदर एक एक फर्स्ट इमोशन उनका निकल कर आता है और इस इमोशन के तुरंत बाद वो प्रोफाउंड वंडर में अपने आप को घिरा पाती हैं क्योंकि जब आप ऐसा होता है ना आप, आप कहीं जा रहे होते हो तो आप जैसे ट्रैवल करके और वहाँ पहुँचते हो तो कुछ टाइम तो आपको लगता है वो पूरा ना ट्रैवल से निकलने में या आपने इतना सब कुछ इतना जर्नी आपका जो गया है उस पूरे जर्नी से बाहर निकलने में उसके उसकी थकान दूर होने में आपको थोड़ा टाइम लगता है वो एक एक, 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 एक मोमेंट लगता है कि ठीक है अभी मैं फाइनली पहुंच गया हूं जहां मुझे पहुंचना है एंड देन यू लेट दैट सिंक इन एंड आप पूरे चीज को देखते हो आप जहाँ आए हो वहाँ पर हर एक एक, एक चीज पे फोकस करते हो and then you start experiencing, uh, उस उस जगह को है ना तो ऐसा ही यहाँ पर तिशानी दोषी के साथ भी हुआ था वो थोड़े टाइम तक तो अभी एकदम से इतना सब कुछ सौ घंटे का उनका ट्रैवल रहा है और उसके बाद में एकदम से वो यहाँ पर आ गई हैं, वो एकदम से रिलीफ में आ जाती हैं कि चलो मैं यहाँ पहुंच तो गई हूँ पर जिस मिनट वो ये रियलाइज करती है कि ठीक है वो अंटार्क्टिका के कॉन्टिनेंट पे पहुंच चुकी हैं उस दूसरे मिनट ही आसपास एक बार नजर घुमाकर जब वो देखती हैं तो वो एकदम से अपने आप को घिरा महसूस करती है प्रोफाउंड वंडर में आश्चर्य में वो आश्चर्य में अपने आप को पाती है क्यों भाई मैम उनको आश्चर्य क्यों हो रहा था wonder at its immensity its isolation but mainly at how there could ever have been a time when india and antarctica were part of the same landmass बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि वो क्यों आश्चर्यचकित हो जाती हैं क्योंकि वो देखती कि ये कितना खतरनाक मतलब मतलब आपने बुक्स में पढ़ा है आपने अपने पिक्चर्स देखी है बट जब आप सामने देखते हो तो वो, वो उसकी इमेंसिटी को देख के चौक गई हैं उसकी आइसोलेशन को देख के चौक गई है कि ये इतना खाली कैसे है पूरी जगह इतनी खाली कैसे है यहाँ पर कोई है नहीं और दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ आइस है सिर्फ और सिर्फ आइस एंड देन उसके बाद में सबसे ज्यादा चौंका देने वा, वाली बात तो उनके लिए वो होती है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि इस कॉन्टिनेंट का ये जो कॉन्टिनेंट है इस कॉन्टिनेंट का और इंडिया का कोई लेना देना होगा देखो आप जब किसी चीज कहीं पे जाएंगे कहीं घूमने भी अगर आप जाते हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करके अगर आप जाते हैं ठीक है इस जगह का क्या लेना देना है क्या हिस्ट्री है क्या जो जोग्राफिकल आस्पेक्ट्स हैं इसके कहाँ कहाँ घूमना होता है वहाँ उसके पीछे की क्या हिस्ट्री है तो ऑलरेडी हम ऐसा लगता है कि अभी घूमे भी नहीं है पर हम आधी जगह घूम चुके होते हैं ऑफ कोर्स यहाँ पर जब किसानी दोषी आई थी तो वो भी इसके बारे में पढ़कर आई थी और जब वो एंटार्टिका में पाव रखती है तो वो रियलाइज करती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक समय पे एंटार्टिका और इंडिया एक ही लैंड मार्क्स का हिस्सा थे हाँ बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट है एक एक पार्ट पे अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखे तो एक पार्ट पे इंडिया और एंटार्टिका एक ही लैंडमार्क का हिस्सा हुआ करते थे और वो बात है 650 मिलियन ईयर्स पहले की 650 मिलियन ईयर्स पहले की जब एक बहुत ही यू नो एक बहुत ही बड़ा सा साधन सुपर कॉन्टिनेंट जाइंट अमलगमेटेड अमलगमेटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ तो एक जुड़ा हुआ बड़ा सा साधन सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम आपने सुना होगा आपने पढ़ा भी होगा गोंडवाना था उसमें आप देखोगे वो 650 पचास मिलियन साल पुरानी बात है एक सुपर कॉन्टिनेंट एक्सिस्ट करता था जिसका नाम था गोंडवाना जो कि आप देखोगे आज के एंटार्टिका जहाँ पर आज एंटार्टिका है वहीं था ठीक है अब आप देखोगे उस वक्त चीजें काफी डिफरेंट थी आपको देखने को मिलेंगे कि ह्यूमंस बीइंग अभी ग्लोबल सीन पे आए नहीं थे क्लाइमेट बहुत वार्म था आप देखोगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फोना था और डिफरेंट वेराइटी मतलब वेराइटी था और बहुत ही डिफरेंट फ्लोरा एंड फ़ोना था और लगभग नहीं भी तो 500 मिलियन सालों तक गोंडवाना इसी तरीके से थ्राइव किया बच्चों इसी तरीके से गोंडवाना आराम से फलता फूलता रहा एकदम बढ़िया बट तो जैसे जैसे डायनासोर्स गायब होने लगे मैमल्स आने लगे तो मैमल्स की एंट्री के बाद में अब लैंड मास में भी बदलाव आने लगा ये जो लैंड मास था ये लैंड मास सेपरेट होने लगा और सेपरेट होकर इसने बनाई कंट्री इसने सेपरेट होकर कंट्रीज बनाई और कंट्रीज बनाकर आज जो आप ग्लोब देख रहे हो आज जो आपको वर्ल्ड का मैप देखने को मिलता है आज आपको वर्ल्ड का जो शेप देखने को मिलता है वो शेप दे दिया तो ये जो कंट्रीज बनाई इसके बाद में वर्ल्ड का वो शेप आपको देखने को मिल गया जो आज हम देखते हैं स्टडी करते हैं अब बच्चों, आज के दिन पे अगर आप एंटार्टिकल जाते हो दैट मीन्स आप उस हिस्ट्री का हिस, उस हिस्ट्री का हिस्सा हो अब उस हिस्ट्री का पार्ट हो तो इसीलिए तिशानी दोषी इतना ज्यादा चौक गई थी कि मैं अंटार्क्टिका में हूँ यानी मैं गोंडवाना में खड़ी हूँ होने को तो इंडिया के अंदर भी वही है दैट ओके आप जिस लैंड पे खड़े हो वो गोंडवाना का ही लैंड है आ, वो वो उसी का हिस्सा है बट एंटार्क्टिका इतना खास इसके लिए है क्योंकि एंटार्टिका में कुछ नहीं बदला इंडिया भी आ, उसी लैंड का हिस्सा है गोंडवाना का ही हिस्सा है बट इंडिया बदल गया है हमने यहाँ पर टाउन्स बड़े बड़े सिटीज़ मेगा सिटीज़ विलेजेस, न जाने क्या क्या कर लिया है इसके साथ साथ में हमने कितने बदलाव किए हैं नैचुरल रिसोर्सेज के साथ में कितना खिलवाड़ किए हैं नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में हमारी पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़े जा रही है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को एकदम से ख़त्म करने पे लगे हुए हैं आज के न जाने कितने साल पहले जब शायद हमारी पॉपुलेशन इस हद तक नहीं बढ़ रही थी तब आपको आ, इंडिया और इनफैक्ट वर्ल्ड का शेप वर्ल्ड ही अलग दिख रहा होगा बट आज ग्लोबल सीन बहुत डिफरेंट है इसीलिए लिए एंटार्टिका जो है हमें वो उस हिस्ट्री में लेकर जाता है क्योंकि एंटार्टिका के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है एंटार्टिका में लोगों ने जाकर बिल्डिंगें नहीं बनाई हैं वहाँ पर वो मेगा सिटीज़ कंट्रीज टाउन्स वो सब नहीं बने हैं इस वजह से अगर आप एंटार्क्टिका विजिट करते हैं दैट मीन्स योर यू आर नाउ यू विल बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री तो इसीलिए यहाँ पर जैसे वो आई तो उन्होंने बोला यार मेरे को तो लिटरली मैंने ये सारी ये सारी चीजों को जब समझा मुझे जब ये समझ में आया कि जो जो हम हिस्ट्री में पढ़ते थे जो हम ई में पढ़ते थे जो हम जोग्राफी में पढ़ते थे चाहे वो कॉडिलेरियन फोल्ड्स के बारे में हो या फिर प्री प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स के बारे में हो चाहे वो ओजोन और कार्बन के बारे में हो चाहे वो इवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन के बारे में हो अब I इन mean, जिन भी चीज़ों के बारे में पढ़ते थे ये एक्चुअली है और सामने है आंखों के सामने मैं इन्हें देख सकती हूँ जब आप ये सोचते हो कि यार ये 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 मिलियन सालों में क्या से क्या हो सकता है तो आपका दिमाग चकरा जाता है इमेजिन करो कि गोंडवाना का एक टुकड़ा जो है वो नॉर्थ की तरफ पुश होता है और वो नॉर्थ की तरफ पुश होके एशिया से जाकर मिलता है और हिमालयस बना देता है और उस टुकड़े को आज हम भारत कहते हैं और एक टुकड़ा साउथ अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन करने के लिए अलग होता है जब वो नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन करता है तो वो दो वो मिलकर बनाता है एक ड्रेक पैसेज बच्चों ये वो चॉकलेट बार का टुकड़ा नहीं है जो हम अपनी कजन फैमिली के साथ शेयर कर रहे हैं ये आप आप ले लो ये नहीं ये लैंडमार्क का टुकड़ा है एक टुकड़ा नॉर्थ नॉर्थवर्ड चला गया है एशिया के साथ में जाकर ज्वाइन हो गया है और उसने हिमालयस क्रिएट कर दिए भारत और एक जो टुकड़ा है वो एक टुकड़ा चला गया है नॉर्थ अमेरिका के पास में जुड़ने के लिए तो इसकी वजह से ड्रेक पैसेज क्रिएट हो गया एक ऐसा पैसेज एक ऐसा पैसेज जो क्रिएट करेगा कोल्ड सर्कम पोलर करंट जिसका मतलब यह है कि एंटार्टिका हमेशा ठंडा रहेगा एंटार्टिका हमेशा ठंडा रहेगा और वर्ल्ड के बॉटम में रहेगा एंटार्टिका भी तो उसी गोंडवाना का हिस्सा है जिस गोंडवाना का हिस्सा सूब ये साउथ अमेरिका है या फिर हम बात करें इंडिया की इंडिया है तो फिर एंटार्क्टिका इतना ज्यादा फ्रिजिड कैसे है वहां पर इतनी ठंड कैसे है वहां वो इतना जमावा कैसे है वो एकदम बॉटम में कैसे है बिकॉज ऑफ द ड्रेक पैसेज क्रिएटेड तरीके से इसके टुकड़े हुए एक पैसेज क्रिएट हुआ जिसकी वजह से इसके ऊपर एक ऐसा करंट क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से वो हमेशा फ्रिजिड रहेगा जमा रहेगा और बॉटम में रहेगा वर्ल्ड के और राइट right, अब जैसे ही यहाँ पर उन्होंने हमें ये चीज समझा दी तो वो हमें ये भी बताती है कि यार मैं एक साउथ इंडियन हूं एक सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन मैंने ना जिंदगी के अंदर सन को इस तरीके से वर्शिप किया है मैंने सन को अपनी आंखों से देखा है मतलब यू नो इट्स लाइक अरे होता है यार ऐसे बहुत सारे पार्ट्स है हमारे देश में भी जहाँ पर इतनी बार आप सन को नहीं देख सकते हो एंड देश विदेशों के अंदर ऐसे बहुत सारे कोने हैं जहाँ पर सूरज आपको इतनी आसानी से नहीं देखने को मिल सकता है बट आप अगर इतना क्लोज रहते हैं इक्वेटर के तो ये खैर हमारी बहुत ही अच्छी बात है हमारी खुशकस्मती है तो बोला मैं सन की इतना क्लोज हूँ एक तरीके से और यू नो साउथ इंडियन हूँ मैंने नहीं मैंने कभी uh, ये uh, इतना uh, कह सकते हैं ना आइस देखा स्नो देखा और अब जब मैं एंटार्क्टिका में थी ठीक है दो हफ्ते जहाँ पर अर्थ की नाइंटी परसेंट ऑफ टोटल आइस है मतलब जितनी भी आइस है

और यहाँ पर जब वो चिलिंग कहती है ना तो वो पन डालती है यहाँ पर वो कहती है इसलिए नहीं क्योंकि सच में ये बहुत ज्यादा ठंडा था बट इसलिए भी क्योंकि ये देने वाला है है डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं एक जायंट पिंग पोंग बॉल पे चल रही हूं। तो लग रहा है जायंट पिंग पोंग बॉल पे चल रही हूँ यहाँ पर कोई ह्यूमन मार्कर्स भी नहीं है कोई ह्यूमन मार्कर्स नहीं है आपको ना पेड़ देखने को मिलेंगे ना बिलबोर्ड्स देखने को मिलेंगे ना बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी आप यहाँ आओगे ना आपको अर्थली सेंसेज ही आप खोदोगे आपको अर्थली सेंसेज ही नहीं दिखेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा अर्थली सेंस और टाइम जो होता है ना 12 बज गए 2 बज गए 5 बज गए 6 बज गए 12 वापस 12 बज गए आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर आपका आपके लिए वो 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 सारी चीजें वैसे टाइम आपके सूरज के हिसाब से नहीं चल रहा है वैसे नहीं चल रहा है जैसा कि आपके जगह पे चलता है मद्रास में चलता है और आप दूर दूर तक जब देखोगे ना देखने को क्या क्या है तो देखने को आपको माइक्रोस्कोपिक से लेकर माइटी तक चीजें देखने को मिलेंगी आपको मिजिद से लेकर माइट्स देखने को मिलेंगे तो ब्लू ब्लूवेल्स भी देखने को मिलेंगे तो आइसबर्ग्स भी देखने को मिलेंगे और इतने बड़े आइसबर्ग्स इतने बड़े बड़े आइसबर्ग्स देखने को मिलेंगे कि एक आइसबर्ग जो लास्ट रिकॉर्ड किया गया था वो बेल्जियम जितना बड़ा था बेल्जियम एक पूरी कंट्री जितना बड़ा तो आइसबर्ग है एक पूरी कंट्री जितना बड़ा आइसबर्ग है दिन इसी तरीके से चले जाते, कुछ सुनाई देगा तो सिर्फ और सिर्फ बर्फ का घुड़घुड़ घुड़ 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 घुड़गुड़ा बर्फ का पिघलना बर्फ का गु आइस की शीट्स का शिफ्ट होना जब मैं अपने आप को यहाँ पर देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मतलब हर एक चीज़ में पूरी मैं मैं, मैं, मैं हर चीज़ जानना चाहती हूँ मैं हर चीज़ जानना चाहती हूँ मैं देखना मैं मेरे को हिस्ट्री मैंने इतना सब कुछ जो इसके बारे में पढ़ा है वो लगता है जैसे सब सामने हो रहा है जो तो मैं आर्टिकल्स पढ़ती हूँ जो मैं जानती हूँ आज प्रेजेंट कंडीशन के बारे में वो सामने हो रहा है और अगर मैं ह्यूमन्स की बात करूँ ना इस पूरी स्टडी के अंदर तो ह्यूमन्स के लिए प्रोग्नोसिस यानी कि इनका जो फ्यूचर का एंटिसिपेशन है ना वो सही नहीं है क्योंकि हम जिस स्थिति के अंदर अर्थ को ट्रीट कर रहे हैं ना जैसे ट्रीट कर रहे हैं अर्थ को और उसका जो एक बहुत बड़ा क्लियर एविडेंस हमें देखने को मिल रहा है एंटार्टिका में वो ये जरूर शो कर रहा है कि हमारे लिए फ्यूचर सही नहीं है ठीक है तो हमारा जो आने वाला टाइम है वो सही नहीं होगा तो भाई हमने ऐसा क्या कर दिया है ह्यूमन इम्पैक्ट हमने ऐसा क्या कर दिया है जो हमारे लिए ये जो टाइम है आने वाला ये सही नहीं होने वाला है तो अकॉर्डिंग टू तिशानी दोषी वो कहते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो लगभग बारह हजार साल जो है से है इस पूरे जियोलॉजिकल क्लॉक में अब यार जियोलॉजिकल क्लॉक की जब आप बात करते हो तो बारह हज़ार साल कुछ नहीं है कुछ सेकेंड्स की तरह है बस एक बहुत ही छोटा टाइम है जिसके अंदर हम लोगों ने तबाही मचा दी है ये इतना छोटा टाइम है जिसके अंदर हम तबाही मचा चुके हैं हमने नेचर के ऊपर हमारी डोमिनेंस का झंडा गाड़ दिया है हमने नेचर को डोमिनेट करने की कोशिश कर ली अपने विलेजेस बना के टाउन्स बना के सिटीज बना के मेगा सिटीज बना के हमने पूरा नेचर को तहस नहस कर दिया है ऊपर से ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से हम जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें भी बैटल कर रहे हैं तो पहले तो रिसोर्सेज लिमिटेड है उसके ऊपर से हम पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं बढ़ाए जा रहे हैं तो एक अलग ही बैटल चलती जा रही है अब इसकी वजह से अच्छा अभी यहाँ पे मामला ख़त्म नहीं होता है हम जो फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं हाँ इसकी वजह से क्या हो रहा है एक ब्लैंकेट क्रिएट हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड का पूरी दुनिया के ऊपर जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उतनी तेजी से तो नहीं बट आपको नहीं समझ में आ रहा है पर धीरे धीरे करके हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसे बढ़ाया जा रहा है उस ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रहा है क्लाइमेट चेंज जिसकी हम बात करते हैं ना जो आपको हर किसी भी डिबेट के अंदर किसी भी स्पीच के अंदर बड़े ही फ्रीली टॉपिक दे दिया जाता है चलो यू हैव टू स्पीक ऑन क्लाइमेट चेंज यू हैव टू स्पीक फॉर द मोशन अगेंस्ट द मोशन डाट अ डॉट क्लाइमेट चेंज है ना ये क्लाइमेट चेंज बहुत रियल है अकॉर्डिंग टू दिशानी दोषी ये जो सवाल आप पूछते हो ना विल द देश एंटार्टिक आइस शीट मेल्ट इंटायरली विल द गर्ल्स ट्रीम ओशन करंट बी डिजरप्टेड विल इट बी द द एंड ऑफ वर्ल्ड एज वी नो इट मे बी मे बी नॉट हमें नहीं पता है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब कुछ होगा क्या दुनिया एक दिन तबाह हो जाएगी क्या हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है बट एंटार्टिका इस डिबेट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके लिए प्ले करता है क्योंकि ये एक ऐसी क्लौती जगह है पूरे वर्ल्ड पे जहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं सकती सस्टेन नहीं कर सकती और क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकती टिक नहीं कर सकती ये प्रिस्टीन है इसको इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रखी यहाँ पे जाके हमने एकदम पेड़ उगाने की कोशिश नहीं करी है हमने यहाँ पे बिलबोर्ड नहीं लगाए हैं हमने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स नहीं चलाए हैं हमने इसके साथ में कुछ तबाही नहीं करी है और यही रीजन है यही रीजन है कि आपको अंटार्टिका के अंदर हाफ अ मिलियन योर ओल्ड कार्बन रैकेट्स देखने को मिल जाएंगे तो अगर आपको अर्थ का पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर जानना है ना तो एंटार्क्टिका ऐसी जगह जहां आपको जाना है क्योंकि वहां पे ना आपको बिना छेड़छाड़ के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब मिल जाएगा और इसी वजह से स्टूडेंट्स ऑन आइस करके एक प्रोग्राम जो है वो निकाला गया ये जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के साथ ही तिशानी दोषी काम कर रही थी और तिशानी दोषी बताती है कि ये जो प्रोग्राम है ये एग्जैक्टली वही करना चाहता है ये प्रोग्राम हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को दुनिया के एंड तक ले जाना चाहता है यानी कहाँ पे जर्नी टू दी एंड ऑफ द अर्थ यानी एंटार्टिका तक ले जाना चाहता है उन्हें बताना चाहता है ये प्लानिट के साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है और ये जो पूरा ऑपरेशन है ये लगभग छह मतलब ये पूरा जो प्रोग्राम है ये लगभग छह साल तक अभी तक चल चुका है जिसे एक कैनेडियन इंसान चला रहे हैं जिनका नाम है जिय ग्रीन अब ये ना एक्चुअली पहले क्या करते थे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं जो बहुत ही अच्छे ट्रेवलर्स हैं उनको एंटार्टिका ले जाया करते थे अब वहाँ ले जाते थे, थे तो उनको ले जाकर इनको तो ना उतना सेटिसफेक्शन नहीं मिल पा रहा था इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि इन लोगों को वहां पर लेकर भी जाओगे ना तो कुछ फायदा नहीं है कि जाएंगे देख कर वापस आ जाएंगे कुछ करेंगे नहीं इसके बारे में हो सकता है कि जाकर थोड़ी सी बोस्ट कर दे आई हैव बीन टू या वो कर सकते हैं ये बट इसके अलावा इसके लिए कुछ नहीं करेंगे एंड दैट इज वाई थॉट क्यों ना हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ले जाया जाए ऐसे लोगों को लेकर जाया जाए जो कि हमारे फ्यूचर जेनरेशन के पॉलिसी मेकर्स हैं ये पॉलिसी मेकर्स हैं ये मतलब आप सोचोगे कि ये ऐसी एज पर हैं जिस एज पर ये अब्जॉर्ब करते हैं ये लर्न करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये एक्ट करते हैं ये बस स्पीचों में जाकर नहीं बोलते हैं कि ऐसा करना है वो करना है ऐसा ये वो नहीं ये ये एक्ट करते हैं कि हाँ, हम को ये बदलाव लाना है क्योंकि इनका खून गर्म है तो ये बदलाव लेकर आ सकते हैं इसी वजह से जियो ग्रीन उनको लेकर गए हैं जो एक्चुअली ये चेंज लेकर आ सकती हैं और ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा है प्रोग्राम इसके लिए सक्सेसफुल रहा है क्योंकि नामुमकिन है साउथ पोल के पास जाकर उससे अफेक्टेड ना होना आप साउथ पोल से चले जाओगे पर साउथ पोल आपके अंदर से नहीं निकल पाएगा आप भुला ही नहीं पाओगे उस एक्सपीरियंस को आप भुला ही नहीं पाओगे कि जो चीजें आप पढ़ते रहते हो आपके किताबों के अंदर वो चीजें रियल है और इसीलिए ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होता जा रहा है जब आप देखते हो ना जब आप आ, 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 आप घर के अंदर अपने काउच पे आराम से बैठकर पॉपकॉर्न लेकर आराम से न्यूज देख रहे होते हो या कुछ भी ऐसे आ, दुनिया में क्या हो रहा है देख रहे होते हो तो, उसके बारे में बात कर रहे हो तो दैट्स इजी और जब आप एक्चुअली सामने जाते हो और वो चीजें आपके सामने हो रही होती है उसको जहन से निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है आप सोचते हो कि नहीं मुझे इसके लिए कुछ करना है जब आप ये देखते हो ना कि ये ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं हाँ आइस शेल्स कोलैप्स हो रही है जब आप समझ जाते हो कि ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट है वो रियल है तब आप उससे यू नो you know, फाइट करना चाहते हो आप हाथ पे हाथ धरकर बैठना नहीं चाहते हो यहाँ पर वो बताती हैं कि देखो यार एंटार्क्टिका जो है ना उसका इकोसिस्टम बहुत ही सिंपल है ठीक है यहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी भी नहीं मिलेगी तो यहाँ पर ना ये एक परफेक्ट प्लेस है जहां पर आप ना इन्वायरमेंट में होने वाले बदलावों को बहुत अच्छे से देख सकते हो क्योंकि अगर आप कुछ छोटा सा भी बदलाव करोगे ना तो यहां पर आपको उसका बड़ा नतीजा देखने को मिलेगा वो एग्जाम्पल लेती है एक माइक्रोस्कोपिक घास का पाइटोप्लांट एक माइक्रोस्कोपिक घास का वो एग्जाम्पल लेती हैं, कहती हैं कि माइक्रोस्कोपिक है कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं है ये माइक्रोस्कोपिक होने के बावजूद नरिश करती हैं सस्टेन करती है इंटायर सदर्न ओशन की फूड चेन को तो अगर तो इनको कुछ हो जाता है अगर तो इनको कुछ हो जाता है तो शायद जैसे ओजोन लेयर डिप्लीट होगा तो फाइटो डिप्लीट अफेक्ट होंगे अगर ये अफेक्ट होंगे, तो लाइव जो है सारे मरीन एनिमल्स की वो भी अफेक्ट होंगे अब वो उनके साथ में बर्ड्स जो है रीजन की उनकी जिंदगी भी अफेक्ट होगी आप देखोगे पूरी ग्लोबल कार्बन साइकिल अफेक्ट हो जाएगी मतलब एक माइक्रोस्कोपिक घास एक माइक्रोस्कोपिक घास को अगर कुछ हो जा हो जा रहा है तो उससे पूरा ग्लोबल कार्बन साइकिल इंपैक्ट हो जा रहा है तो आप आगे से ये बात बोलना अरे एक प्लास्टिक का बैग तो ही तो है अरे एक यही तो है अरे आधे घंटा ही तो ऐसी चल रहा है हाँ आप ये मत बोलना क्योंकि आप जितना जो भी छोटा भी कर रहे हो उसका इम्पैक्ट बड़ा आ रहा है और ये जो बुरा कर रहे हो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है तो ये जो छोटा छोटा अच्छा करोगे तो सोचो उसका कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा ये तिशानी दोषी हमें यहां समझाना चाह रही है टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स इन द बिग थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस आपको ज्यादा बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख लो बड़ी बड़ी चीजें अपने आप होती रहेंगी रिजल्ट बड़े अपने आप आते रहेंगे फाइनली वो बताती हैं कि मेरा एंटार्टिक एक्सपीरियंस जो है उसमें बहुत सारे अभी फिनिंग्स हैं बहुत सारे एक्साइटिंग स्टोरीज़ आपको देखने को मिलेंगे बट तो पता है क्या हुआ था मतलब जब हम एंटार्टिक सर्कल पे थे ना 65.55 डिग्री साउथ तो ऐसे में हम लोग एक बहुत ही वाइट स्ट्रेच पे आके रुक गए थे ये पैनेसोला और टेटपोल आइलैंड के बीच का था और हम आगे नहीं जा पा रहे थे तो कैप्टन ने कहा कि ठीक है भाई हम लोगों को यहाँ से मुड़ना पड़ेगा और वापस नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा बट इससे पहले कि हम मुड़े हम क्यों ना इस ओशन के ऊपर जाए तो वहां पर एक, एक उसे फंटा लगाया हुआ था गैंग प्लैंक लगाया हुआ था कि आप यहाँ से ओशन में उतर जाओ तो हम लोग ओशन में उतरे हम 52 लोग थे हम ओशन में उतरे हम लोग ने पूरे ऐसे जैकेट वैकेट पहने हुए थे चश्मे वश्मे लगा लिए थे जूते वूते पहन लिए थे और जैसे हम नीचे उतरे हैं हमने तो देखा कि ओशन पूरा जमा हुआ था ये ओशन पूरा जमा हुआ था हमारे पाव के नीचे मीटर थिक आइस पैक था और उसके नीचे आपको 180 मीटर की लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर गली के कुत्ते नहीं करते हैं जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि बोला जैसे डॉग्स करते हैं ना एकदम वैसा ये सब कुछ जो था ना ये सब कुछ सिर्फ एक रेवल्यूशन था मेरे लिए एक खुलासा था कि हर एक चीज अंत में आकर जुड़ ही जाती है फिर से नाइन टाइम जोन सिक्स चेक पॉइंट तीन वाटर बॉडीज और न जाने कितने इकोस्पेस के बाद में मैं घर आ गई मैं अभी भी वंडर कर रही थी कि कैसा बैलेंस जो है यहाँ पर हमारे प्लानट पे है हाँ और क्या होगा अगर एंटार्क्टिका फिर से वार्म प्लेस बन जाए जैसा वो हुआ करता था क्या हम उसे वो बनते हुए देख पाएंगे या हम भी डायनासोर्स एंड मेमोस एंड वूली राइनोस की तरह चले जाएंगे तो किसको पता है और इतना जरूर कह सकती हूँ कि दो हफ्ते वहां रहने के बाद में मैं ये जरूर समझ चुकी हूँ कि मिलियन सालों में बहुत कुछ हो सकता है और उस बहुत कुछ की शुरुआत एक दिन से हो एक दिन से दैट इज द जर्नी ऑफ़ टू दी एंड ऑफ द अर्थ सो तिशानी दोषी ने यहाँ पर अपना पूरा लॉग आपके साथ में शेयर कर दिया उनका एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर कर दिया है आँखें खोलना चाहती हैं वो हम सब की जमें बस जग जाना चाहिए हमारे प्लानट के लिए जाग जाना चाहिए और बिल्कुल यहाँ पर हमारे प्लानट को सेव करने में लग जाना चाहिए बिकॉज प्लानट की हालत बहुत बुरी है बहुत बुरी है अपना एक्सपीरियंस वो यहाँ पर शेयर करती है ताकि इसे इनके एक्सपीरियंस से ही सही अगर हम कुछ सीख पाए तो शायद हम एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ पाएंगे दैट्स इट आई होप यू लाइक द वीडियो इफ यू डिट प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है और पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो कीजिए जहाँ पर आपको इसी तरीके के और भी वन शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन थैंक यू सो मच बाय टेक केयर